चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए नेशनल सिंबल हम डिस्कस कर रहे थे, नेशनल सिंबल्स, तो उसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं नेशनल सिंबल्स में। देखो मैं एक चीज ही डिस्कस किया हूं अभी तक, नेशनल फ्लैग के बारे में। सबसे पहले नेशनल फ्लैग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि कब आया, 1947 में, 1931 वाला के सब कुछ, एडॉप्ट कब किया गया, धर्म चक्र, ये सब कुछ डिस्कस किया हमने। ठीक है, अब हिस्टोरिकल जजमेंट भी इवन डिस्कस किया। चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा स्टेट एम्बलम, ध्यान देना, उसके अलावा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, कैलेंडर, उसके बाद एनिमल, बर्ड, फ्लावर, ट्री, फ्रूट, रिवर, और उसके बाद है एक्वेटिक एनिमल। तो सारा हमें कंप्लीट करना है, तो आज हमारा एक क्लास में इतना ही होना है, क्लियर। तो फिर नेक्स्ट डे हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे लूसेंट का लास्ट लेक्चर हुआ पॉलिटी का, उसके बाद मैंने बताया था उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे हम स्टार्ट करेंगे, क्या उसी जगह पे हम स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी। तो हमारा पॉलिटी कल एंड हो जाएगा। कल बहुत छोटा छोटा टॉपिक दो तीन है वो डिस्कस कर लेंगे, जैसे बहुत कुछ डेफिनीशन है, कुछ डेफिनीशन है, उसके बाद कुछ रिपोर्ट है, इस सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टेट एम्बलम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट एम्बलम आया कहाँ से है, आया है सारनाथ जो कैपिटल है, सारनाथ जो कैपिटल है, गलती से देखो, सारनाथ पे अशोका ने एक पिलर बनाया था। पिलर होता है, पिलर के टॉप पे ऐसा कुछ होता है, प्लेयर के टॉप पे आपको पता, पिलर के टॉप पे ऐसा, इसके जस्ट नीचे होता है मोनोलिथिक पिलर, और पिलर के नीचे आपको पता है पहले वो होते हैं लोटस साइज का, उसके बाद एबेकस होते हैं, और उसके बाद होता है लायन, चार लायन। तो यही है सारनाथ पे, तो इसी को एबेकस और ये ऊपर वाले लायन को लेके साथ लिया गया है हमारा नेशनल एम्बलम, क्लियर, नेशनल एम्बलम। तो आप बोलोगे भैया सारनाथ क्यों, गुड इवनिंग, कुछ नहीं, आप बोलोगे सारनाथ क्यों, सारनाथ का लोकेशन कहाँ क्यों लिए। सारनाथ एक्चुअली बहुत फेमस लोकेशन है, गौतम बुद्ध की जी के लाइफ से चार लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लुम्बिनी जहाँ पे जन्म हुआ था उनका, उसके बाद बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिला, उसके बाद वो गए सारनाथ। सारनाथ में पहली बार उन्होंने सरमन दिया, सरमन का मतलब होता है उपदेश देना, पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में। तो इसी जगह को, इसी को ध्यान में रखते हुए अशोका ने यहाँ पे पिलर बनवाया, उसी पिलर का हमने टॉप पोर्शन को अपने एम्बलम का पार्ट मान लिया है। तो सारनाथ का इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारनाथ में पहली बार सरमन दिए, पहला जो सरमन जो इवेंट है उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखना। जब बुद्धा जी का जन्म हुआ उससे रिलेटेड सिंबल एग्जाम में, सारे सिंबल एग्जाम में आ चुके हैं, बुद्धा जी के जन्म से रिलेटेड सिंबल है लोटस और बुल। ग्रेट डिपार्चर, जब बुद्धा जी घर से बाहर निकल गए थे उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, उसका सिंबल है लोटस। जब उनको एनलाइटनमेंट मिला, जब निर्वाणा हासिल किए, उसका सिंबल है बोधि ट्री। पहली बार शरमन दिए उसका है व्हील सिंबल, डेथ हुआ उसका सिंबल है स्तूपा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सांची स्तूपा वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, कि वो आज मिसलेनियस वाले लेक्चर में पिछले दिन, कि वो सांची स्तूपा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो मिसलेनियस वाले भी आप डिस्कस देखते चलिएगा, 4:30 में होता है, कोई दिक्कत नहीं, चारों लोकेशन में। तो यही सारनाथ है, इसमें चार, एक्चुअली चार लायन है, चार लायन कौन से है, चार लायन है एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन, क्लियर, चारों के चार है, एबेकस पे बैठे हुए एबेकस यही है, क्लियर। और एबेकस पे आपको पता है एबेकस में चार चक्र होते हैं, चार चक्र, और चार चक्र के बीच बीच में एक जानवर होते हैं, चार चक्र चारों दिशा में, चार चक्र होते हैं और चारों चक्र के बीच बीच में, मतलब हर चक्र के बीच में एक जानवर होते हैं। कौन कौन जानवर होते हैं,
हॉर्स जो कि कूदता हुआ हॉर्स, एलिफेंट, बुल और लायन, ये भी कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, क्या क्या एग्जाम में आ चुका है, एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लाइन। देखिए थोड़ा क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है अभी, इसलिए वहाँ पे मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, और जैसे ठीक होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है ये मुझे बता दीजिए बस। क्लियर, समझ में आया यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सारनाथ, सारनाथ जगह से आ सकता है, एशियाटिक लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह कौन कौन से जानवर है याद कर लेना है, यहाँ पे एबेकस पे कौन कौन से जानवर है याद रखें, ऊपर तो लायन हमें याद ही है, यहाँ पे भी एक्चुअली है बुल, लायन और उसके अलावा हॉर्स और एलिफेंट। क्लियर, और यहाँ पे हर दो जानवर के बीच एक धर्म चक्र है, एक चक्र है जिसको हम बोलते हैं व्हील ऑफ लॉ, मतलब जब पहली बार उन्होंने सरमन दिया था तो उस इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, व्हील ऑफ लॉ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपना एम्बलम कब एडॉप्ट किया है, ये भी एग्जाम में आ चुका है 26 जनवरी 1950 को। क्लियर, और एक और चीज यहाँ पे एक्चुअली इसके पास में इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते एक्चुअली हमारे एक उपनिषद से लिखा गया है, कौन सा उपनिषद है, मुंडका उपनिषद, ये भी बथेरे बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, किस उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, मुंडका उपनिषद। इसका सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि हमें हमेशा सत्य की जीत होती है, ट्रूथ एलोन ट्रम्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्य की जीत होती है। क्लियर, अबेकस के नीचे लिखी हुई है, किस स्क्रिप्ट ने, देवनागरी स्क्रिप्ट ने, और ये तो हमें पता है, और ये अशोका के समय में अशोका कैपिटल का उठाया था हमने, अशोका ने बनाया था ये बात। क्लियर, अब देखो ये बात तो हमें पता है, ठीक है, और एक और चीज कहाँ पे बना था, सारनाथ पे, याद रखना है, चार लाइन है हमने देख लिया और अशोक चक्र है बीच में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू तो नहीं है ना। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बुद्धा के लाइफ से चार इवेंट, उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम आपको पता है हमारा जो सॉन्ग है जन गण मन। क्लियर, ये ओरिजिनली तो बंगाली में लिखा गया था, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के जी के द्वारा। क्लियर, और अब हिंदी जो इसका ट्रांसलेशन है वो कब एडॉप्ट किया गया, एडॉप्ट तो किया गया 24 जनवरी 1950 एम्बलम कब किया गया था, एम्बलम किया गया था 26 जनवरी, ये किया गया था 24 जनवरी। सबसे पहली बार कब गाया गया था, सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कैलकटा सेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकटा सेशन में। और एक और चीज बात आपसे पूछा जा सकता है कि एंथम सबसे पहले पहली बार गाया था या सॉन्ग गाया गया था, एक्चुअली सॉन्ग गाया गया था 1896 वाले सेशन में, समझ में आना। ये सॉन्ग पब्लिश किया गया स्टार्टिंग में, सॉन्ग जब पब्लिश किया गया था, जो हमारा नेशनल एंथम है उसको हम एक गाना बोलते हैं, वो पब्लिश किया गया था जिसका टाइटल था भारत भाग्य विधाता। अब आप बोलोगे भैया ये टाइटल जो सॉन्ग पब्लिश किया गया था उसका टाइटल का नाम था भारत भाग्य विधाता, तो किस पत्रिका में किया गया था, किस पत्रिका में पब्लिश किया गया था, इस पब्लिश पत्रिका का नाम है तत्वाबोधिनी पत्रिका। तत्वाबोधिनी पत्रिका आपको पता होगा ये रिलेटेड है ब्राह्मो समाज से। क्लियर, और एडिटर कौन थे इस पत्रिका के, एडिटर थे टैगोर जी। क्लियर, और इवन इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन इन्होंने ही किया, इंग्लिश में इसका नाम है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 5 स्टैंजा है और टोटल 52 सेकेंड लगता है बोलने में, यही हमें याद रखना है बस। इंडिया और बांग्लादेश दोनों का जो सॉन्ग है, उन दोनों का सॉन्ग एक्चुअली लिखे हुए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्लियर, जैसे जन गण मन और अमर सोनार बंगला उनके, बांग्लादेश के। कोई दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। चलिए इसमें एक बारी और हम रिवाइज कर लेते हैं, जन गण मन बंगाली में लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, अडॉप्ट किया गया कब किया गया था 24 जनवरी 1950। कलकत्ता सेशन में सबसे पहली बार गाया गया, और जो इस सॉन्ग पब्लिश किया गया था किस टाइटल के अंदर, भारत भाग्य विधाता, किस पत्रिका में, तत्वाबोधिनी पत्रिका। ये किससे रिलेटेड है, ब्राह्मो समाज से रिलेटेड है। ब्राह्मो समाज के फाउंडर एक्चुअली कौन थे, राजा राम मोहन राय, कब, 1828 ईस्वी में। क्लियर, और उसके बाद हाँ
आपको पता है उसका ब्राह्मो समाज में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आदि ब्राह्मो समाज और एक है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया जो थे, ग्रुप था, उसके लीडर थे केशव चंद सेन। ठीक है, फाइव स्टंजा है, 52 सेकेंड। इनको एक्चुअली मिला हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज 1915 में। और पहले नॉन एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, और किस लिए? गीतांजलि के लिए, याद रखिएगा। ओके काशिका, चले नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग एक्चुअली है वंदे मातरम। इसको लिखा गया था किसके द्वारा? बंकिम चटरचंद चटर्जी के द्वारा। और सबसे पहले 1896 के सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार गाया गया, ये बात याद रखना। इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको किया गया अरबिंदो घोष जी के द्वारा, क्लियर। और वंदे मातरम जो कॉन्सेप्ट था, वंदे मातरम बंकिम चंद चटर्जी ने लाया। और वो कब लाए? जब वो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश राज में ही काम करते थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया गया किया एक्चुअली 24 जनवरी 1950 को। और क्लियर, ऐसा माना जाता है कि जो ट्यून नहीं है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का वर्जन का, उसको रविशंकर जी ने कंपोज किया। नेशनल कैलेंडर की बात करते हैं, सका एरा के से बेस्ड है। और इसमें चैत्र को पहला महीना माना जाता है सका एरा वाले को। और जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें ध्यान देना, जो पहला यहाँ पे देख लो, जो पहला चैत्र जो होता है ना, वो होता है एक्चुअली 22 मार्च को। पहला चैत्र होता है 22 मार्च को, ये ध्यान रखना। चैत्र में 30 या 31 दिन होते हैं, क्लियर। अगर चैत्र 22 मार्च है, ध्यान देना, चैत्र अगर 22 मार्च है इसका मतलब नॉर्मल ईयर है, अगर 21 मार्च है इसका मतलब लीफ ईयर है, क्लियर। ठीक है, उसका चैत्र बैसाख ज्येष्ठ असार श्रावण, यहाँ पे एक्चुअली भादव होता है, भादव आशिवन कार्तिकेय माघ पौष, क्लियर। ये थोड़ा होता है, ज्यादा याद नहीं कर, आप पहला याद कर लेना, क्वेश्चन बना हुआ है तो सिर्फ इसी पे, क्योंकि इतना तो हमें याद ही नहीं रहता है, क्लियर। ये है सका एरा वाला का, जो हिंदी में जो हम लोग नहीं बोलते हैं, जो अभी भी हमारा बहुत सारा जो लिटरेचर वगैरह इसी पे बेस्ड है, ठीक है। उसका नेशनल कैलेंडर को इशू क्यों किया जाता है? बहुत सारे पर्पस के लिए, गैजेट ऑफ इंडिया के लिए, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर के लिए, सब कुछ के लिए, ये याद रखना। लीप ईयर में चैत्र के 31 दिन होते हैं और 21 मार्च होते हैं। चैत्र स्टार्ट कब से होता है? 21 मार्च से। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि चैत्र में 31 दिन होते हैं, नॉर्मल में क्या होता है? 30। जैसे फैब में नहीं हमारा 28-29 हो जाता है, यहाँ पे आता है चैत्र में, क्लियर। सकायरा वाले जो कैलेंडर में है ना, चैत्र में 30-31 होता है। तो 21 मार्च जब होगा जब 31 दिन होंगे, और 22 मार्च होगा जब 30 दिन। एक एक से मैं ऐसे याद किया हूँ कि एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, क्योंकि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता। नेशनल एनिमल एक्चुअली टाइगर है, उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, क्लियर। नेशनल एनिमल है और ज़्यादा याद नहीं करना है उसमें। और हाँ, यहाँ पे कि रॉयल बंगाल टाइगर, जो देखो 8 रेस है उसमें से, जिसमें से इंडियन रेस है रॉयल बंगाल टाइगर, और पूरे इंडिया में मिलता है सिंपल नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन को छोड़ के, और इवन नेपाल भूटान बांग्लादेश में मिलता है। ये एक्चुअली नेशनल एनिमल, बांग्लादेश का भी नेशनल एनिमल है, इतना ज़्यादा नहीं करना है। प्रोजेक्ट, और देखो लायन वॉज द नेशनल, मतलब देखो 1972 तक एक्चुअली लायन था नेशनल एनिमल, लेकिन बाद में रिप्लेस कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल बर्ड ऑब्वियसली पीकॉक है, पावो क्रिस्टेटस इसका साइंटिफिक नेम है, और ये एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, क्लियर। नेशनल फ्लावर कौन है? लोटस, क्लियर। इसका साइंटिफिक नेम है नेलुम्बो न्यूकिफेरा, ये हमारा नेशनल फ्लावर है, क्लियर। और इंडिया के अलावा लोटस एक्चुअली नेशनल फ्लावर वियतनाम का भी है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल ट्री आपको पता है बेनियान ट्री है, और इसमें देखो यहाँ पे लार्जेस्ट सी सच ट्री का नाम कहाँ पे? कोलकाता में, कोलकाता में सबसे पुराना है, क्लियर। और
यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस बनियान ट्री यहाँ पे एक्चुअली गुजरात के एक आइलैंड पे है, कबीरवाद आइलैंड पे, 300 साल पुराना है, याद रखना है। बरगद भी इसको बोलते हैं और बट वृक्ष भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेशनल फ्रूट आपको पता है मैंगो है, मैंगो में बहुत कुछ मिलता है। नेशनल रिवर एक्चुअली गंगा है, और नेशनल रिवर का दर्जा कब दिया गया था, 2008 में, क्लियर। और 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, क्लियर। और ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि गंगा रिवर पे कौन कौन शहर है वो ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, कलकत्ता, ये सब ध्यान रखना। ये एक्चुअली हुगली है, क्लियर। और ये सब आपको पता ही है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ये वाला बात, क्लियर। और गंगा रिवर से की ट्रिब्यूटरी आपको याद रख लेनी है, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कम से कम ये तीनों याद रखना, क्योंकि बाकी हमें याद रहते हैं, इन तीनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले कौन पैर में कौन। तो ध्यान रखिए, पहले कौन मिलता है, ओ वाले, फिर एच वाले, फिर ए वाले। आपको नहीं लगता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ओ, फिर एच, फिर डिक्रीज होता है, क्योंकि आप पहले, आप देखो जैसे कोई गंगा रिवर आया तो पहले किस, कोई इंसान आता है आपके घर पे तो पहले आपके मम्मी पापा से मिलता है ना, सीधे आपसे थोड़ी मिलता है, सिंपल समझो। सबसे पहले लार्ज वाले, फिर स्मॉल, फिर और छोटा ऐसे होते जाते हैं। तो पहले गोमती, घाघरा, फिर गंडक, क्लियर। गोमती एक्चुअली लखनऊ जो शहर है गोमती रिवर के किनारे, याद रखिएगा, ठीक। नेशनल एक्वेटिक एनिमल एक्चुअली डॉल्फिन है, क्लियर। ये देखें प्लेंटिस्टा गैंगेटिका, इसका साइंटिफिक नेम है, 2009 में डिक्लेयर किया गया, क्लियर। और एक रेयर स्पेसीज है बहुत। और एक और चीज़ डॉल्फिन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, IUCN के स्टेटस में इंडेंजर है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में है, शेड्यूल वन में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और एक एक मात्र हमारे पास डॉल्फिन सेंचुरी है, गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, वो है विक्रमशिला, कहाँ पे, भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पे, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, क्लियर। और एकमात्र सेंचुरी है किसके लिए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल के लिए, क्लियर। तो ये हमारा पूरा सिंबल्स तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट डे हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे हमारा पूरा खत्म, एक ही क्लास है, उसके बाद हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग, कल मिलते हैं, कल पक्का, मतलब क्लास अब मिस नहीं होगा, जो भी दिन छूट जाता है छूट जाता है, क्लास अब मिस नहीं होगा। और आप लोग जरूर आइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों को लुसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव बुक का डिटेल डिस्कशन चाहिए तो हमारा एक पेड कोर्स है और उसका डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे ही, तो डेमो वीडियो देख लेना, ज़्यादा दाम नहीं है, दोनों कोर्स का दाम है 500 और अप्रैल से उसका दाम ज़्यादा होने वाला है, दोनों का मिला के अभी 500 में हो जाएगा, अप्रैल से वो 1000 लगेगा। मैं डिटेल में ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया हूँ, आप देख लेना, बहुत 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 पसंद आएगा आपको, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया हूँ, इतना अच्छे से समझाया हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।